हे गाइस, गुड मॉर्निंग। टाइम तो बहुत हो गया है, 11:15 बज गया है। बट ठीक है, इस समय क्या घर पर रहते हैं ना, तो सब रूटीन चेंज हो गया है। तो अभी मैं जस्ट किचन में आई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। आजकल ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि सब आराम से उठते हैं मॉर्निंग में और बस, तो सब लेट होता रहता है। मैंने यहाँ चाय चढ़ाई हुई है और इधर मैं आज बना रही हूँ पोहा। काफी दिन बाद पोहा बन रहा है। मैंने सारी तैयारी कर ली है। ये थोड़ा सा मूंगफली डालूंगी, धनिया पत्ती काट ली, प्याज और हरी मिर्च काट ली है, और पोहा को भी धो करके रख दिया। बहुत जरा सा पोहा बना रही हूँ। फ्राई कर लूंगी। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। इस समय क्या हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग, जो डेली कमाते और डेली खाते थे, उनकी हालत वाकई में अच्छी नहीं है। हम एक तिलहरी वुमेन्स क्लब है, आप लोगों ने उनके प्रोग्राम देखे होंगे, हमारे क्लब के हम लोगों का, और बहुत ही अच्छे मेंबर्स भी हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों क्लब के मेंबर्स अपनी तरफ से कुछ अपना योगदान दें, सहयोग करें उन लोगों के लिए। तो हम लोगों ने भी, सब लोगों ने मिल करके कुछ कुछ मतलब डोनेट किए हैं, रुपए इकट्ठा किए हैं। अब उससे हम लोग क्या करेंगे कि खरीदेंगे वो कुछ जैसे बेसिक सामान होता है, दाल चावल, आटा, तेल, ये इस तरह का जो बेसिक सामान होता है, शक्कर, चाय पत्ती, इस तरह का बेसिक सामान खरीद करके हम उनको बांटेंगे। तो यही बस अभी चल रहा है 2 दिन से, हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू ये सब कर रहे हैं। तो हमारे क्लब के बाहर के भी जो मेंबर्स हैं, जो तिलहरी के रहने वाले हैं, उन लोगों ने भी, कुछ लोगों ने हमें योगदान दिया है, अपना सहयोग राशि दी है। तो हम लोग अब ये सब मिल करके हम देखते हैं कब हो पाता है। तो जब ये इकट्ठा कर लेंगे अमाउंट, अच्छा अमाउंट हम लोग का आ रहा है, जब अमाउंट अच्छे से मिल जाएगा तो फिर हम लोग अभी ये सब बांध करेंगे। अच्छा है यार, करना चाहिए, अच्छी बात होती है। वैसे तो लोग पीएम में भी कर रहे हैं, पीएम जो कोर्स है उसमें भी कर रहे हैं दान, लेकिन वो तो ऐसा है कि ठीक है, अच्छी बात है, उस पर करना चाहिए, लेकिन जो हमारे आस पास हैं उनको भी कुछ हो जाएगी तो, और एक क्या होता है ना, मन की शांति हो जाती है, मतलब मन को संतुष्टि मिलती है कि हमने कुछ किसी के लिए कभी कुछ किया है। तो ये टाइम है तो करना चाहिए। मूंगफली हमारी भून गई है, निकाल ले, मीठी नीम थोड़ा सा डाल रही हूँ, प्याज और हरी मिर्च डाल रही हूँ, लाल हो जाए तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। जो पोहा धोया था पोहा को डाल देंगे, सबको अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा देर के लिए धीमी आंच में ही इसको ढांक देंगे और अच्छे से ही थोड़ा बफ आ जाएगा। थोड़ा रेडी होगा, गैस को बंद कर देते। नींबू डालने के बाद पोहे का टेस्ट तो और अच्छा हो जाता है, बहुत टेस्टी लग रहा है। बहुत दिन बाद बनाया अपने ना पोहा, और इस समय तो नींबू खाना भी चाहिए, नींबू और संतरा दोनों चीज खाना चाहिए, इस समय विटामिन सी की बहुत जरूरत है। शाम हो गई है और यहाँ बाहर निकलने का टाइम 4 से 8 है। तो अभी ये गए हैं कुछ सामान लेने, जरूरत का, तो कार निकाल के ले गए हैं। तो आज यहाँ कार नहीं खड़ी तो सोचा कि यहाँ मैं झाड़ू ही लगा दूँ। बना रहा है मैगी। कौन सी मैगी बन रही है?
प्याज और शिमला मिर्च वाली वेज मैगी बन रही है। हाँ, तो आज श्रेय वेज मैगी बना रहा है। बहुत करने पड़ रहे हैं, शायद आँखों को भी करना। प्याज काटने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा आंखों से आंसू, बिल्कुल खुशी के आंसू है, लॉकडाउन वाले आंसू है। इधर मैंने चावल के लिए पानी चढ़ा दिया है, मैंने ये सोयाबीन की दाल बनाई है, फर्स्ट टाइम बनाई, पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा, खा के बताना भाई कैसा है। चॉपर से सही में सबको इतना इजी हो गया है, थोड़ा और छोटे काटो ना, तो बड़े बड़े डालोगे। दिन में मैं 3-4 बार बर्तन धो लेती हूँ। मेरा काम बर्तन धोने का। हाँ, अब तो आदत भी हो जाएगी। जी नहीं, हमें कोई आदत नहीं डालनी है। हो जाएगी वे। और क्या है ना पापा? नहीं, हमें करवाना है। देखो तो ये लोग ना बाई छुड़ाने में लग गए। ना बाबा, हमें बाई नहीं छुड़ाना, हमें बाई बदली नहीं रहना है। हाथों, मेरे हाथों की तो दुर्दशा हुई जा रही है बर्तन धो धो करके। बिचारी, तुम लोग अपना अपना देख रहे हैं, भाइयों का नहीं देख रहे, उनका कैसे चलेगा काम? लोग ना पैसे जोड़ने लगे, केवटी करने के मजाक कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। देखो एफडी करा रहे हैं जितना बाई को दे रहे थे। अभी भी गर्म पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है, आज से ज्यादा गर्मी हो गई है। कह रहे थे गर्मी आ जाएगी तो कोरोना चला जाएगा, ऐसा सही है? नहीं, लेकिन सब लोग तो गर्म से ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं, गरम पानी पियो, गरम चीजें खाओ, क्योंकि उतने टेम्परेचर में वायरस मर जाता है। 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री ज्यादा ज्यादा चला जाता है। तो 40 डिग्री में कुछ नहीं होता, जब तुम ये चीज भी जो पक रही है ये 100 डिग्री के ऊपर पक रही है, समझी? नहीं होता है, रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं। तो फिर सुनो पापा, ऐसा है केरला का एवरेज टेम्परेचर ना अभी अपन से भी ज्यादा है, समझे? साउथ इंडिया में बल्कि ज्यादा रहता है, फिर भी उनके पास ज्यादा केसेस है। गरम गरम चल रहे हैं ना, वहां पर भी कोरोना वायरस फैला हुआ है। अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो बच पाई, बल्कि वो गर्म थी तो भी। तो अभी तो प्रिपेयर्ड चलो कि मतलब कुछ नहीं होने वाला। हाँ भाई, हो गया तो अच्छी बात है। केस आना बंद हो जाएंगे तब मतलब कि बंद हो, केस आने बंद नहीं है, पहले तो केस कम हुई है, अभी तो केस ऐसे चल रहा है, अभी ऊपर जा रहा है। एक टाइम होगा जब पीक पहुंच जाएगा तब इंडिया की बैंड बच जाएगी, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट होगा। अब वो कब आएगा पीक और कब नीचे होना स्टार्ट होगा वो तो कोई नहीं कह सकता। तुम्हारी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। सृष्टि को कम देना मैगी, क्योंकि इसने कुछ भी काम नहीं किया है। बिना काम की लड़की, ये देखो यही है वो, बिना काम की लड़की। कैसी बनी मैगी? बस तुम्हें मैगी खिला दो, मैगी गर्ल। इनका कार्टून भी स्टार्ट हो गया। चलिए यहीं ब्लॉग एंड करती हूँ और मैगी एंजॉय करती हूँ श्रेय की बनाई हुई। ओके, बाय बाय।